गाजीपुर के चुखनिया तहसील इलाके में भैंसी नदी उफान पर है। उफनाई नदी की वजह से हरदासपुर कला गांव समेत 9 गांव और 30 गांव के सिवान में पानी भर गया है। बाढ़ के पानी की वजह से किसानों की फसल डूब गई है। दरअसल चुखनिया तहसील के तुलापुर थाना इलाके के हरदासपुर कला गांव की बात करें तो गांव के 25 घरों में बाढ़ का पानी तकरीबन 5 फीट तक भरा है। किसानों की फसल डूब गई है और लोग अपने जानवरों को लेकर सड़क पर हैं, तो कुछ लोग परेशान परासर गिरी ब्रह्म बाबा के धार्मिक स्थान पर शरण लिए हुए हैं। साथ ही नायक डीए से होकर रेकवार डीह मऊ जाने वाले संपर्क मार्ग में भी पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। प्राइम ब्रेकिंग न्यूज के लिए गाजीपुर से संवाददाता देवव्रत विश्वकर्मा की रिपोर्ट। भैंसी नदी का जहां तक सवाल है तो बाढ़ से कुल 9 परिवार ऐसे हैं जिनको अपने घर से हटना पड़ा है छोड़ के, और उनको सुरक्षित स्थान पर रखा गया है। और शासन की मंशा के अनुरूप उनको जो सूखा राशन का किट है उनको उपलब्ध करा दिया गया है। जिलाधिकारी महोदय का भी ये निर्देश है कि जो उनकी फौरी मदद हो वो प्रशासन द्वारा तत्काल उनको उपलब्ध कराया जाए। भैंसई से लगभग 9 गांव के आसपास ऐसे होंगे जो उनके सिवान में पानी है। ऐसे ही मगई में लगभग 30 गांव के आसपास हैं जिनके सिवान में पानी है, और लेकिन अभी घरों से विस्थापन की स्थिति केवल भैंसई नदी से 9 गांव के प्रभावित हैं, जिनको आज हम लोगों ने भी आके उनके फसलों का जायजा लेने के लिए लेखपाल को निर्देशित कर दिया गया है, और उनको जो उनका फसल नुकसान होगा उसका भी उनको मुआवजा दिया गया है। और सर, जो मगई नदी में कुछ ग्रामीण का फसल बता रहे हैं लोग डूब गई है। मगई नदी में 30 गांव के आसपास के सिवान में पानी है, और लेखपाल और राजस्व विभाग के जितने निरीक्षक हैं उनको भी निर्देश है, और वो लोग उसको सर्वे कर रहे हैं, नोट कर रहे हैं। खतौनी और अन्य अभिलेख हम लोगों के पास हैं, खसरे से मिलान करके हम लोग देख लेंगे कि इसमें फसल की क्या प्रजाति थी, और उसके अनुसार उसका जो नुकसान हुआ होगा उसकी रिपोर्ट हम लोग जिलाधिकारी के माध्यम से प्रेषित करते हुए उसको मुआवजा उनके खाते में। ठीक है। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन।